उत्तराखंड के उधम सिंह नगर गदरपुर में 15वीं बटालियन एनडीआरएफ मुख्यालय में धूमधाम से मनाया गया, जिसमें एनडीआरएफ के सभी जुड़े हुए अधिकारी, कर्मचारी व जवान मौजूद रहे और प्रत्येक जवान ने एक पेड़ माँ के नाम पर आधारित ये कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर बोलते हुए कमांडेंट सुदेश कुमार दराल ने कहा कि 15 बटालियन एनडीआरएफ के परिसर जो गदरपुर में स्थित हैं, यहाँ पर आज हरियाली का प्रतीक लोक पर्व हरेला, जो उत्तराखंड का राजकीय त्यौहार माना जाता है, व आज देश के प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर एक पेड़ माँ के नाम पर सभी कर्मचारी और अधिकारी व जवानों ने वृक्षारोपण किया है, नाम से मनाया। इस अवसर पर प्रत्येक जवान अधिकारी को हमने जिम्मेदारी दी है, हरेला पर्व के अवसर पर जो पौधे लगाए गए हैं, इसका पालन पोषण वे स्वयं करेंगे। जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो रही है, टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है और आए दिन उत्तराखंड में आपदाएं आती हैं, अगर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगेंगे तो प्रकृति को बचाया जा सकेगा और भूस्खलन पर भी नियंत्रण करने में मदद मिलेगी। देखिए, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, आज पूरे उत्तराखंड में जो है एक लोक पर्व हरेला के रूप में मनाया जा रहा है। हमारे एनडीआरएफ के कर्मियों ने भी ये ठाना है कि क्यों ना हम इस पर्व को और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान एक पेड़ माँ के नाम को आगे बढ़ाएं। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी जवानों ने आज एक एक पेड़ अपनी माँ के नाम, अपने देश के नाम लगाने का ठाना है और उसी उपलक्ष्य में आज हमने हरेला पर्व को जो है यहाँ पर आयोजित किया है। देखिए, ये विदित है कि जो है जलवायु जो है हमारा जो गर्मी का प्रकोप जो है ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और इससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने के बारे में सरकार द्वारा समय समय पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हमारा सभी का ये फर्ज है, हमारी ड्यूटी है कि क्यों ना हम अपने वातावरण को अनुकूलित बनाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पेड़ लगाएँ ताकि जो जलवायु का जो हमारे ऊपर असर है वो कम से कम पड़े। बाकी आपने जैसा देखा है कि पेड़ लगाने के अन्य फायदे भी हैं। जिस प्रकार से हमारे देश में विभिन्न प्रकार की आपदाएं आती हैं, खासकर उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर लैंडस्लाइड, फ्लड वगैरह आदि बड़ी मात्रा में आती रहती हैं। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो इन चीज़ों पर रोकथाम की जा सकती है और इसको हमारे प्रदेश को, देश को काफ़ी फायदा होगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।